हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिका का ढाबा। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी इवनिंग स्नैक शेयर करने वाली हूँ, जो है आलू कटलेट, या हम इसको वेजिटेबल कटलेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस काट के रखे हैं, यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर के दाने निकाल के रखे हैं। आप कोल्ड स्टोर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बॉयल करके आप रखें। यहाँ पे मैंने आधे कैप्सिकम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मैंने हरा मिर्च लिया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर को कद्दूकस करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू में 3 सीटियाँ लगाकर मैंने आलू को उबाल के इसके छिलके उतार के इसको यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, आप फ्राइंग पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने ज़रूरत के हिसाब से तेल डाला है, आप तेल ऊपर नीचे या फिर किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम के दाने, पीनट्स लिए हैं, इसको मैं गरम तेल में डाल दूँगी। और इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा तेल होने के कारण पीनट्स हमारे बहुत जल्दी जल जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मसाला लिया है, जिसमें ये भुना धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरे और ब्लैक पेपर का पाउडर और लाल मिर्च। यहाँ पे हमारे पीनट्स तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं खड़ा जीरा डालूँगी। मैंने जीरा और ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया है मसालों में, लेकिन हमें यहाँ भी खड़ा जीरा डालना है। जब जीरे चटक जाए तो अब हम इसमें हमारा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। मैंने धीरे धीरे करके सारा स्प्रिंग अनियन कढ़ाई में डाल दिया है। मैं ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे मैं हरी मिर्च और जो हमने शिमला मिर्च काट के रखा था वो डाल रहे हैं। आप चाहें तो लाल और पीली शिमला मिर्च दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाले मैंने यहाँ पे रखे थे वो मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक मसाले हैं। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा में अमचूर का पाउडर भी डाला है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे ही मसाला मिक्स हो जाए, मैं इसमें तुरंत ही जो मैंने मटर छील के रखा है उसको डालूंगी, क्योंकि मटर को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मटर डालने के बाद मैं इसको करीबन 5 मिनट के लिए भूनूंगी। ज़्यादा देर तक हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे, किसे हुए गाजर। गाजर, पत्ता गोभी, आप पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल पकाऊंगी नहीं। बस इनको मिक्स करके फिर इसमें जो आलू मैंने उबाल लिए थे उसको मैं मैश करके उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने मैश करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप जो फ्लेम है उसको लो कर लीजिए, अदरवाइज जब तक आप आलू डालेंगे मिक्स करेंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ नीचे से जल जाएंगी। अब इस सब्जियों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा स्टफिंग्स तैयार है। यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया काट के रखा है। 2 मिनट के लिए आप फ्लेम को तेज़ कर दें, हाई फ्लेम कर दें, और कटा हुआ धनिया डाल के मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर दें। हमारा जो स्टफिंग्स है वो भी पार्शियल कम्प्लीट है, मतलब आधा बन चुका है, आधा हमें और करना है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, 10-15 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं सारे ब्रेड को पानी में भिगो के साइड रखूँगी। एक बार हमने सारे ब्रेड को भिगो लिया है, उसके बाद हम इसका सारा का सारा पानी निचोड़ के अच्छे से निकाल लेंगे। पहले मैं हल्के हल्के प्रेस करके पानी निकालूंगी, फिर मैंने सारे ब्रेड को
अच्छे से दोनों हाथों से पकड़कर सारा पानी निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सूखी बॉल बची है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने इसका सारा पानी निचोड़ के निकाल दिया है। ये जो पानी है इसको हम साइड कर लेते हैं, ये पानी वेस्ट है। फिर यहाँ पे जो मैंने स्टफिंग्स पहले से बना के रखी थी उसमें मैं इस ब्रेड को अच्छे से डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इसके साथ। हमें एक अच्छा सा डो तैयार करना है इससे, जिससे जो हमारा कटलेट है वो बिल्कुल चिकना चिकना सा तैयार हो। आप इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर इस टाइम पे अगर आपको लगे कि आपको और ब्रेड की ज़रूरत है तो आप और ब्रेड भी डाल सकते हैं। और हाँ, इसको ज़रूर हाथ पे वो करके देखें कि आपके चिकने चिकने कटलेट के जो राउंड्स होते हैं, बॉल्स होते हैं, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं वो बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो मेरे अब जो कटलेट के बॉल बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे, बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल अच्छा सा एक डो बन गया है। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी से लिया है। यहाँ पे मैं एक स्पून नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डालिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स को मिला के रखा है जो मैं घर पे बनाती हूँ। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्पून भर के, जो कि मैंने दो बार आधा आधा करके डाला है, नमक डाला है और सीजनिंग्स और चिली फ्लेक्स। अब मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से इस कॉर्नफ्लोर को, कॉर्नफ्लोर के जगह पे आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई लम्ब्स नहीं है, बिल्कुल भी कोई गांठे नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा मैंने यहाँ पे एक वो तैयार किया है। कॉर्नफ्लोर हमेशा नीचे बैठता है, तो जब भी आप अपने बॉल्स को डिप कर रहे हैं इसमें तो ज़रूर एक बार चला लें। यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्राइंग ऑयल लिया, एक कढ़ाई लिया जिसमें मैंने फ्राइंग ऑयल लिया है। अब मैं इसको हाथ पे कटलेट्स के बल्ब बनाऊंगी। आप चाहें तो इसके गोल या फिर बहुत ज़्यादा लंबे फिंगर्स शेप में आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। आप जिस शेप में देना चाहते हैं इसको आप उस शेप में दे सकते हैं। आप चाहें तो हर्ट शेप में, राउंड शेप में, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बाहर जैसे कटलेट बना के दिखाऊंगी, तो मैं बिल्कुल बाहर जैसे शेप्स दे रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉल्स बना के तैयार करके रखे हैं और यहाँ पे जो हमारा कॉर्नफ्लोर है उसकी भी स्लरी मैंने बना के रखी है। अब मैं उसको इसमें डिप करूँगी। इसके साथ मैंने वर्मीसिली को हल्के हाथ से क्रश करके रखा है, जिसके ऊपर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको एक बार डिप करूँगी हल्के हाथ से। आप जो भी करें इसको बिल्कुल प्रेस ना करें, तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आप अच्छे से इसको डिप करें, उसके बाद इसको वर्मीसिली या फिर आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डस्ट करें उस पर और बस अपने फ्राइंग ऑयल को, जो कि आपने बिल्कुल हीट करके रखा है, उसमें आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको फ्राइंग ऑयल में डाला है। शुरू में इसको छूने की ज़रूरत नहीं है आपको करछी से, वरना ही बिखर जाएगा। धीरे धीरे करके मैं सारे ही कटलेट्स को ऐसे ही तल के तैयार करूँगी। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर के वो आ रहे हैं। कटलेट को निकालते समय आप ये ध्यान रखें कि जिस कलर का आपको कटलेट चाहिए आप उससे थोड़ा लाइट कलर में निकालें, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद या बाहर आने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। मैंने सर्विंग बॉल पे डाला। अगर आपको लग रहा है कि एक्सेस ऑयल है तो आप इसको टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा कटलेट बन के तैयार है, आप गरम गरम इसको सर्व करें। ये देखिए बिल्कुल ही कुरकुरा है, इसके अंदर बिल्कुल ऑयल भी नहीं गया है। आप इसको जल्दी से खाएं, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है। और अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।